भैया आओ बैठो। हाँ तुम भी बैठो। भैया मैं ऑफिस से लोन लेकर 4 लाख रुपए तक अरेंज कर सकता हूँ, और फिर आपके पैसे, भाभी के जेवर, ये सब मिलाकर 10 लाख तक हो जाएंगे। अगर फिर भी कम पड़ा तो उधार ले लेंगे। ये प्लान कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं। क्यों भाभी? वो इसलिए कि अगर हम ज्यादा लोन ले लेंगे तो हमें टेंशन होगी, कहीं घर की शांति ना भंग हो जाए। भाभी हमारे लिए अपना घर होना ज्यादा जरूरी है। प्लान वर्कआउट करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। सही कहा ना भैया? नहीं विनय, मुझे भी जया की बात सही लग रही है। ए, तुम कुछ नहीं बोलोगी? अब मैं बोलकर क्या करूंगी? आपके भाई घर ले रहे हैं, उसमें मेरा क्या हक है? मैं कभी भी चीजों के लिए दूसरों पर उम्मीद नहीं रखती, और ना ही अपनी चीजों को किसी को देती हूँ मैं। संगीता, तुमसे हम तुम्हारी कोई चीज नहीं मांग रहे। मैंने ऐसा कहा क्या? आपने मांगा है, गुस्सा क्यों कर रही है? संगीता तुम अपनी हद पार कर रही हो। तो इनसे भी कहिए ना ये अपनी हद पार ना करें। मैंने कब हद पार की, जरा ये बताओ। ये तो आप अच्छे से ही जानती हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। ये तुम कैसी फालतू बात कर रही हो, उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया? मुझे ना सब पता है, आपकी भाभी आपको आपके भाई से भी दूर रखती है। ऐसे हर बार गलत बात सोचने वाले इंसान को तो हमें बात करने ही नहीं देनी चाहिए, हमें आपस में मिलजुल कर ही फैसला करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलते विनय, दुर्योधन की पत्नी जैसा हर कोई हो विनय, ये उम्मीद नहीं रख सकते। अब बस कीजिए आप, शादी करके मैं यहाँ जीने के लिए आई हूँ। सुना था शादी के बाद सास परेशान करती है, लेकिन यहाँ तो मुझे भाभी से ही परेशानी हो रही है। संगीता बस बहुत हो गया, इसके बाद भी मैं चुप रहूंगा तो ठीक नहीं होगा। जया मेरी धर्म पत्नी है, लेकिन हमारे बीच रिश्ते में एक पवित्रता दिखती है। एक भाई की बीवी के साथ कोई दूसरा मर्द ऐसी बात नहीं करेगा। विनय को उसने पेट में 9 महीने पाला नहीं है, हमारी औलाद नहीं। इस बात का दुख मुझे था, लेकिन इसे नहीं। वो इसलिए क्योंकि विनय को वो अपने बेटे से ज्यादा समझती है। इसके मरने के बाद विनय को ही चिता जलानी है, लेकिन तुमने तो उसे जिंदा ही जला दिया। शाबाश, ये बात किसी और ने बोली होती तो उसकी जुबान काट देता, लेकिन तुम विनय की पत्नी हो इसलिए चुप हूँ। तुमने जो बात कही उस बात से हम दोनों को बहुत दुख हुआ। देखो बहन, हमारी कोई भी संतान नहीं है। हम लोगों के बाद ये प्रॉपर्टी, पैसा, घर, ये सामान सब कुछ तुम्हारा ही होगा। उसके पैसों पर राज करने वाले हम लोग नहीं होंगे, तुम ही होगी। अरे भैया आप ये सब इसको क्यों बोल रहे हो? ए, चुप हो जाओ। जब से ये इस घर में आई है पता नहीं जया को क्या क्या बोलती है, मैं झेल नहीं पा रहा हूँ।